अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने कॉशी और रहमान इक्वेशन पढ़ी। अब हमने उसकी एग्जांपल करनी है। कॉशी और रहमान इक्वेशन हमारे पास थी क्या? यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई। वी का हम जब लेंगे वो इक्वल होना चाहिए एंड यू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वी विद पार्शियल डेरिवेटिव एक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जहां पे हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी इसका मतलब है कि वो हमारे पास कॉशी रीमान इक्वेशन होंगी। हमें यहाँ पे एग्जांपल नंबर वन के अंदर एक फंक्शन दिया गया है और उसको हमने वेरीफाई करना है कि वहां पे क्या हमारे पास कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। वेरीफाई कर लेते हैं, जी हमारे पास क्या होता था, जी एक्स प्लस आयोटा वाई। हमें क्या चाहिए, जी स्क्वायर चाहिए। जी स्क्वायर के अंदर हम जब इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आयोटा स्क्वायर माइनस वन के इक्वल होता है। यहाँ से ये फॉर्म बन गई। अब हमने जो अपनी फॉर्म पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एफ ऑफ जी जो है वो इक्वल होता है यू एक्स वाई फंक्शन, जो हमने कम्प्लेक्स वेरिएबल का ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वो क्या था, आयोटा वी एक्स वाई। हम यहाँ से इनका रियल पार्ट जो है, इन दोनों फंक्शन का रियल पार्ट कंपेयर कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेते हैं। रियल पार्ट को जब कंपेयर करेंगे हमारे पास रियल पार्ट यू एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी और इमेजिनरी पार्ट जब करेंगे तो वी एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें अपने पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं। आपको पता है कि जब हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल होते हैं तो अगर हमारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो y को हम एज अ कांस्टेंट डील करते हैं और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता था, जीरो होता था। तो जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे वो हमारे पास टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम यहाँ पर वी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है x और y के लिए आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, जब आपका प्रोडक्ट रूल लगता है तो आप लोगों को पता है कि आपके पास y एज अ कॉन्स्टेंट डील कर रहा है तो यहाँ पे आपके पास वी एक्स का डेरिवेटिव टू y आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या निकालना है, यहाँ पे आपने यू वाई निकालना है, आपने इसी तरह से वी वाई निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले यू वाई निकालते हैं। अगेन हम जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो एक्स को एज अ कांस्टेंट डील करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो होगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या वैल्यू बनेगी, माइनस टू वाई बनेगी। जबकि जब वी वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास मीन्स के वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई तो y का डेरिवेटिव 1 होगा, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 2x आ जाएगा। देखिए हमने क्या प्रूव करना था, हमने यहाँ पे यही चीज नहीं प्रूव करनी थी कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल होना चाहिए v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो मुझे यहाँ पे ये देखिए क्लियरली पता चल रहा है कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। अब मैंने क्या करना था कि नेगेटिव टर्म हो ये इक्वल हो, तो देखिये ये 2y है ये माइनस 2y है, इसका मतलब कि ये वैल्यूज भी इक्वल है। यानी कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास हर जगह पर एवरीवेयर जो है कॉशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे एक फंक्शन देती हूँ, आपने इस फंक्शन को ट्राई करना है और चेक करना है कि क्या ये भी, अगर मैं इसमें जी स्क्वायर में जी ऐड कर देती हूँ क्या ये तब भी हमारे पास कॉशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक और बात है कि अगर हम हमारे पास जो है ये कॉशी रीमान इक्वेशंस जो हैं वो किस लिए यूज होती हैं, हमारे पास जो है उन पॉइंट्स को भी लोकेट कर लेती हैं जहां पे हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, जैसे कि हम अगर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है इसे मैं क्लियर कर लेती हूँ सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल z मोर स्क्वायर दिया हुआ है, z आपके पास क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। z मोर लेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर रूट। z मोर का स्क्वायर के अंदर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए ये आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं,
तो आपका फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगेन हम वापस जाते हैं, हमने जब फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफाइन किया था वो हमने इन यू एंड वी फंक्शंस में किया था, u एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा, v एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अगेन हम इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को जो है वो कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ से हमें u और v की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, u की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमारा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं। ठीक है, वो मेरे पास जीरो आ जाएगी। अब जब मैं v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूंगी, ठीक है, वी एक्स मीन्स वी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो भी मेरे पास जीरो होगा। वी का डेरिवेटिव मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई लूंगी, वो भी मेरे पास जीरो होगा। ठीक है, जबकि जब मैं यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेती हूँ तो वो मेरे पास टू एक्स आएगा। अगेन वही वाला हमारे पास रूल चलेगा, जब मोर देन वन वेरिएबल हो हमारे पास तो हम जब एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वाई को एज अ कॉन्स्टेंट डील करेंगे, और जब विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स को एज अ कॉन्स्टेंट डील करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो यू वाई है वो क्या आ जाएगा, यू वाई हमारे पास टू वाई आ जाएगा। अब हमारी कॉशी रिमान इक्वेशन क्या कह रही थी, हमारे पास हमारी जो कॉशी रिमान इक्वेशन है उससे हमें ये पता चलता था कि हमारे पास जो यू एक्स है उसे इक्वल होना चाहिए था वी वाई के। ठीक है, और जो हमारा वी एक्स था उसे इक्वल होना चाहिए था यू वाई के, और नेगेटिव साइन होना चाहिए साथ में। लेकिन अगर हम देखें वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास 2x जो है वो जीरो आ जाती है, यानी कि x मेरे पास जीरो आ रहा है। इसी तरह से जब मैं यहाँ वैल्यूज पुट करती हूँ तो 2y equals to जीरो आएगा और मेरे पास y भी जीरो आ गया। अब आप लोगों को याद होगा हमने इस फंक्शन को डिटेल से डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था कि हमने इसके अंदर चेक किया था कि ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस तो है ये फंक्शन, बट डिफरेंशिएबल जो है जस्ट ये ऑरिजिन पर होता है। अब कॉशी रिमान इक्वेशन भी हमें कुछ इसी तरह की फॉर्म दे रही है कि अगर तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो वो किसी नॉन जीरो, मतलब मींस कि इसका डेरिवेटिव नॉन जीरो पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास किसी भी नॉन जीरो पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ओके, अब ये पॉइंट तो हमने लिख लिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इसके अंदर, हमें अभी तक पता नहीं चला कि हमारी कॉशी रिमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। देखिए हमारे पास अगर तो हम कहते हैं कि हमारे ओरिजिन पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मेरा जीरो पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो वो जीरो होगा, इसका मतलब कि वो जीरो प्लस जीरो आयोटा होगा। और जब इस तरह की कंडीशंस बन जाती हैं तो इस तरह के पॉइंट्स के लिए हमारे पास जो हमारी कॉशी रिमान इक्वेशन होती है वो सेटिस्फाई नहीं होती। तो यहाँ से हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया, ठीक है, हमने एक ऐसा फंक्शन भी कर लिया जिसके ऊपर हमारी कॉशी रिमान इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी कर लिया जहाँ पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती।